पुरानी पेंशन स्कीम पर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 15 अगस्त को मंच से पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की कोशिश होगी। वहीं मंच से सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर ईडी और सीबीआई को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी राजनेता की तरह काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि ईडी के अधिकारी पूछताछ के दौरान सरकार से अलग होने की सलाह देते हैं। एक रिपोर्ट। पुरानी पेंशन योजना पर सीएम की बड़ी घोषणा, 15 अगस्त तक लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। 15 अगस्त को मंच से घोषणा की होगी कोशिश। पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों की मांग 15 अगस्त तक पूरी हो सकती है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन में सीएम हेमंत सोरेन ने यह भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि 15 अगस्त को मंच से पुरानी पेंशन योजना की घोषणा करूं। आप लोगों की पुरानी पेंशन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि 15 अगस्त तक ये हम आप लोगों तक ये उपहार के रूप में व्यवस्था के अंदर भी बहुत ही बचते बचाते चीजों को आपके लिए हमेशा जो आप लोगों की मांग है इस समस्या का समाधान करने के लिए, बल्कि आप ही लोग उस समस्या का समाधान करेंगे और पुख्ता होने के बाद उस पर मोहर लगाकर 15 अगस्त तक हमारी प्रयास है कि आपको ये सौगात के रूप में हम मंचों से सुनाए। मोरहाबादी मैदान में आयोजित पेंशन जयघोष सम्मेलन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट और ठेका प्रथा पुरानी सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि घंटी आधारित शिक्षकों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अनुबंध की व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था पूर्व की सरकार की दी हुई वो समस्या है जो ये समस्या पैदा करते गए समाधान कभी नहीं निकला और अंतोगत्वा ये स्थिति हो गई। आज जितने भी कर्मचारी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर हो, चाहे अनुबंध पर हो, सभी तबा तबा। वहीं पेंशन जयघोष सम्मेलन के मंच से सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी को चुनौती दी। ईडी को सीएम हेमंत सोरेन की चुनौती, सीबीआई ईडी की कार्रवाई से डरने वाले नहीं सीएम। ईडी से निपट लूंगा, सबको ठिकाने लगा दूंगा सीएम। जांच अधिकारी राजनेता की तरह काम कर रहे हैं सीएम। पूछताछ के दौरान सरकार से अलग होने की सलाह देते हैं अधिकारी। हमारे गति को कितना हम रोक पाए, तो कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स के लोगों को पूरे देश और पूरे राज्य में चरवा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, उन लोगों से मैं निपट लूंगा। बस आप राज के हर एक स्तरों को मजबूती से पकड़े रहिए, बाकी लोगों को तो मैं ठिकाना लगा दूंगा। हमको तो जानकारी मिलती है कि जब लोग पूछताछ के लिए ले आया जाता है कहीं कहीं, तो सबसे पहले तो ये बात पूछा जाता है कि भाई सरकार से हटो। भाई ये सरकार से तुमको क्या लेना देना, जो गड़बड़ी है उसको खोजो ना। पेंशन जयघोष सम्मेलन में ना सिर्फ झारखंड बल्कि देश के बाकी हिस्सों से भी कर्मचारी शामिल थे। इस मौके पर सीएम ने ना सिर्फ पेंशन भोगियों को सौगात देने की घोषणा की बल्कि बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।